दीजिए। हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी ना आज हम जा रहे थे वॉक करने, ऐसे ही शेयर करने, कभी कभी हम चले जाते हैं। और देखिए धान की कटाई शुरू हो गई है, और आज ना वॉक करने का हमारा बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ, हमें मिल गया फ्रेश फ्रेश साग। देखिए, क्योंकि इस पूरे खेत में ना आज ट्रैक्टर चलने वाला था, तो इन्होंने बोला कि आप तोड़ लो। और जो भी यहाँ से आ जा रहे थे तो उनको कह रहे थे कि साग यहाँ से तोड़ लो, तो हमने भी थोड़ा सा निकाल दिया बिल्कुल फ्रेश। हाँ, ट्रैक्टर फिर जाएगा इसमें, इसलिए सारा बर्बाद हो जाएगा ये, तो इसलिए फिर सब निकाल रहे हैं यहाँ से। जो भी आ जा रहे हैं उन सबको बोल रहे हैं साग निकालो, है। हाँ इधर देखो, देखो कितना साग निकाला हमने। ऐसे दिखाओ अपना थैला, दिखाओ थैला, दिखाओ अपना, ये देखो। अब चलते हैं, आज तो ना मछलियों का फेवरेट साग, देखो कितना सारा हमने निकाल दिया। अब चल रहे हैं हम घर। ये देखो कितना छोटा छोटा है ना, सबको इनवाइट कर लो। आ जाओ आप सब साग खाने। मक्की लगी है वैसे, उधर लगी थी कहीं। आज ना हमारा मॉर्निंग वॉक करने का फायदा हो गया, साग मिल गया हमें बहुत सारा। हाँ, फायदेमंद रही। शाम उड़िए। तो जी अब हम जा रहे हैं घर, और घर जाके मेरी छत में भी कुछ सब्जियां लगी है, तो वो निकालूंगी पहले मैं। तो जी अब मैं आ गई हूँ अपनी छत में, और छत में मैंने ना सब्जियाँ निकालना शुरू कर दी थी, मेरे को वीडियो बनाने का ध्यान नहीं रहा। पर अभी तक और भी सब्जियाँ अभी निकालने वाली हूँ। तो आप ना पहली बार अगर मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बने बेल आइकन के साथ। देखिए इतनी सब्जियाँ मैं निकाल चुकी हूँ, अभी और निकालूंगी। तो ये देखिए, ये है बैंगन, और ये है बैंगनी, तो अब उधर भी लगे हुए हैं बैंगनी, तो वो भी निकाल लेते हैं। ये देखिए ये लगी है इधर, तो ये देखिए जी ये बैंगनी लगी है ग्रो बैग में, और अभी ना ये बिल्कुल सॉफ्ट है। मैंने सोचा मैं ये भी निकालूंगी, जैसे मैंने ये वाली बैंगनी निकाल दी ना, तो ये अभी और बड़ी होनी थी तो मैंने जल्दी निकाल दी। बट कोई नहीं, ये मेरी तो सब्जी एक तो हो ही गई है, फिर इनको ना मैं अभी बढ़ने देती हूँ, देखती हूँ कितने लंबे होते हैं। तो देखिए तो इसको अभी तोड़ ही लेते हैं, ये देखिए। एक उधर वो तो ना पक गई है, ये किट्टू नीचे से आवाज़ें लगा रहा है। यहाँ पे लगी है शिमला मिर्च, शिमला मिर्च का पौधा लगता है अब ख़त्म होने वाला है, ये देखो। ये लगे हैं सब कुछ सफ़ेद बैंगन, इसको भी निकाल। इनको भी रख देते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ना गुच्छों में लग रहे हैं आजकल। इनको तो मैं आज नहीं निकालूंगी, बड़ा होना दूंगी अभी। तो अभी और भी है वहाँ पे, वो भी ले आते हैं। इस वाले पौधे में है, ये देखिए एक ये रहा और एक उधर अंदर है, एक देखिए ये रहा, तो इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए ये है दो, और एक देखो वो देसी तोरी लगी हुई है तो छोटी है, अभी वो नहीं निकालेंगे। तो चलो भाई इनको भी रख लेते हैं यहाँ पे। तो जी ये देखिए इतनी सारी सब्जियाँ आज मेरी निकली है, तो इनको भी रख देते हैं यहाँ पे। देखिए कैसे बिखर गए, को ये पालक भी हो रहा है फिर से, तो इसको भी हार्वेस्ट करना पड़ेगा अभी।
सर्दियों की और ये गर्मियों की दोनों सब्जियां ना इकट्ठी लगी है। ये देखिए सर्दियों की ये मूली है मेरी, देखिए बड़ी होने लग गई है अब। ये देखो घास भी आ गया इसमें, ये देखो। तो जी चलो अब चलते हैं अपने चूल्हे के पास और यहाँ पे कुछ बनाएंगे। बारिश है देखिए पूरा गीला हो रहा है, इसको थोड़ी देर में सूखने रखूँगी। ओ सब्जियाँ गिर गई और फिर बनाऊँगी आपको ना। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, वो देखिए नींबू कितने सारे लगे हैं, ये देखो। साथ में नीचे मूलियाँ, मूलियाँ कितनी बड़ी होने लग गई। इनके ना पत्ते निकालने पड़ेंगे मुझे, तो देखती हूँ कब निकालती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये शिमला मिर्च है, ये भिंडी मिर्च रह गई। और तो जी साग को मैंने धो के काट के उबलने के लिए रख दिया है और सर्दियों का इस बार का पहला हमारा साग है और रोटी बनाऊंगी शाम को। तो चलिए तड़का अब जब लगाऊंगी ना तब मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी साग देखिए अब बन चुका है और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो में फर्स्ट बार विजिट कर रहे होगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।